हजरात, मैं कोई तकरीर के लिए हाजिर नहीं हूँ, बल्कि मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल अजीम और उसका एहसान है, उसके रसूल करीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम का ये एहसान अजीम है कि हमें उसने ये ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बुलाने का, मुनाकिद करने का क्या कहते हैं ये मौका का समय है। और हमने हिंदुस्तान के चुनिंदा चुनिंदा उलमाए कराम को मुंतखब किया, अल्लाह ताला का फजल करम है कि वो हमारे स्टेज पर मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए। अभी आपने मुफ्ती आजम दिल्ली को समाप्त फरमाया, ये सरोज नगर जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं इसी जमीन पर मदीना मस्जिद है जिसमें मैं रहता हूँ। और मदरसे का वजूद क्या है, अभी कोई उसकी जमीन नहीं है, आराजी नहीं है। बस एक कमरा जिसमें मैं नीचे रहता हूँ उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसके ऊपर एक कमरा बना लिया है, वही बच्चों की रिहायश का है, वही तालीम का है। यूँ तो इस मदीना मस्जिद का क्याम और इसका संग बुनियाद 1993 में इसका संग बुनियाद हुआ था। 1993 के बाद 1998 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अल्लामा क़ारी रज़ीउल्लाह साहब उस वक्त भी तशरीफ लाए थे और आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस में भी तशरीफ फरमा रहे हैं। और 1998 के बाद एक बहुत बड़ा अरसा 10 साल का गुजरा जिसमें कोई कॉन्फ्रेंस, जिसमें कोई जलसा इतना बड़ा नहीं हो सका। और मस्जिद एक ही मंजिल जो बनी थी वो यूं ही रह गई, एक ही मंजिल बनी रही। और सन 2000 के करीब बदअकीदगी का तरूर यहाँ मरने लगा और अहले सुन्नत व जमात को, बरेलवी मसलक के हजरात को उस तकालीफ मसाइबात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के तसल्लुत यहाँ हो चुका था, अहले सुन्नत के जवानों को, और गौसे ख्वाजा के दीवानों को बिहार सेल का सामना करना पड़ा, जिसमें क़यादत कर रहे थे अहले सुन्नत व जमात की मौलवी रियाज़ुद्दीन साहब, आज भी वो स्टेज पर तशरीफ फरमाए और उनके साथ यहाँ के सब अहले सुन्नत व जमात जो भी 30-50 है और है जितने से आज भी उनको करोड़ों में आप शुमार कर सकते हैं, इतने दलील तादाद में है कि आप उनको करोड़ों में उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं, चंद लोग ही अहले सुन्नत व जमात की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद होकर भी बहुत है, यहाँ बड़ा अजीम कारनामा ये अंजाम दे रहे हैं। फकीर का तकरूर सन 2007 में हुआ है तो 1998 के बाद 2008 में यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। उस वक्त भी तो कुरान के हाफिज फारिग हुए थे जिन्होंने कुरान अजीम की समाज तरावी में सुनाया और आज भी इंशाल्लाह ताला अभी अपनी आंखों से वो नूरानी और गैर मंजर आप देखेंगे कि दो हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। मेरा तरफ तकरीब से तकरीबन 35 साल से ताल्लुक है और 1000 से जायद मेरे शागिर्द हिंदुस्तान में जो हाफिज कारी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरगाहों में पढ़ा भी रहे हैं। किसी ने मुझसे रवायत हफ्स पढ़ी है, किसी ने कुरान अजीम हिफ्ज किया है, किसी ने उला पढ़ी है, तो इस तरह से बहुत सारे शागिर्द अपनी कामयाबियों से हम करार होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में फैल कर मिलत की खिदमत कर रहे हैं। और जहाँ तक राम हमने इस पीरियड में इस वक्त में यह 1907 में फकीर का यहाँ तकरर हुआ, अहले सुन्नत व जमात ने यहाँ के सुलूक मिलत के इन चंद अहबाब ने मुझे अपने करीब किया, मैं इनके करीब हुआ और इन्होंने फिर दूसरी मंजिल 2009 में तामीर करा दी। 2.5 लाख की लागत से तकरीबन दूसरी मंजिल इसकी तामीर हो गई है और तीसरी मंजिल संदर्भ में तकमील के करीब पहुंच चुकी है, सिर्फ इतना है कि अभी उसकी छक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे चंदा करूंगा या आपसे उस छक के लिए कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चंद सुन्नी मुसलमान जो कोरों पर गिने जा रहे हैं ये मसलक रजा के लिए और औलिया-ए-किराम से अकीदत के लिए अपनी जान पर भी खेल रहे हैं और अपना मान
की कुर्बान कर रहे हैं। आप दिल्ली के हर कोने से हर खत्ते से तशरीफ लाए हैं, हमारा हौसला बुलंद हुआ है और इतना बुलंद हुआ है इंशाल्लाह ताला कि मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि ये मदरसा जो बनाए नाम की मदरसा है, ये पासाब का एक अजीम दर्शगा, दिल्ली की अजीम दर्शगा होगी, जहाँ से उस्ताद कुर्रा फारिग होंगे, जहाँ से मुअल्लिमीन फारिग होंगे, जहाँ से उलमा फारिग होंगे और सारे मुल्क में फैलकर इंशाल्लाह ताला मिलत की खिदमत करेंगे। हजरात कराम, ये तो शेर व शायरी को मेरा भी ताल्लुक रहा है, अल्लाह अली अहमद सिरानी साहब की इजाजत अगर हो जाए तो दो शेर मैं अपने पेश कर दूंगा और मैं मिम्बर की भी मैं तवज्जो चाहूंगा और समाप्त फरमाया जाता मेरे ये एहबाब में से पांच मेरे दोस्तों में है, ये तो यहाँ के सब सुनिए मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे जैनो देव साहब कहते हैं कि अपनी किताब अपना दिमाग चला दीजिए, अब देखता हूँ मैं वो कब चलता है। एक उसमें से एक कलाम के दो तीन शेर और शोरा कलाम खास तौर से तवज्जो करना तो पूरे के पास पढ़ लीजिए। अल्लाह मसल्ले अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि मौलाना अबू बकर साहब तो हुस्न है और हुस्न का शहशाद है या रसूल अल्लाह। तो सहाबा हुस्न है और हुस्न का शैतान है और नूर के दीवार दर है, नूर की सरकार है, नूर के दीवार दर है, नूर की सरकार है। नतीबे हजरत अल्लामा सिरानी साहब ने मुझे नजराना पेशा फरमा दिया है, हुस्न मतलब समाज फरमाए हुस्न यूसुफ निकल रहा है, मिस्र का पाताल है, हुस्न यूसुफ निकल मिस्र का बाजार है या रसूल अल्लाह। और आपका खल्लाक आलम, आपका खल्लाक आलम तालिबे दीदार, और आपका खल्लाक आलम तालिबे तालिबे दीदार है। और बता रहे खान जी शेर उसको दुनिया हरी है, उसको दुनिया हरी में हासिल खुल्द का दीदार, उसको दुनिया ही में हासिल खुल्द का दीदार है, उसको दुनिया ही जिसकी आंखों में शबीबे रोज़ाए सरकार, जिसके तालिबे ईमान तो पांचो रुकन है इस्लाम के, और जाने ईमान इहतरामी सैयद अब्बास महशर के तारोगीर का, और जिसका अहमद शफी को अहमद मो
मैं आप सब का मानव शिविर का करूंगा और अल्लाह शिवानी का तशरीफ ला रहे हैं।